पूजा भी नहीं हुई उस गाड़ी की, इसी अच्छा। पल्सर की गाड़ी पूजा भी नहीं हुई, सोचो। तो पूजा के लिए रोका कौन? जब मैं निकला, जब मैंने बोला तो पापा आ गए, मम्मी ने बोली गाड़ी लिए है, भयंकर लड़ाई, माँ की चूत इसकी वो चूत, बड़ा हंगामा मचा, खाना वाना पटक दिया वो सबको, अब सब कहने लग गए। भाई मैं बड़ा बड़ा गुस्सा आया मुझे कि यार लाया तो अपनी पैसों की हूँ, इन्हें क्या तकलीफ हो रही है, मुझे पसंद नहीं थी। वो भी दिन मुझे याद है, छह दिन तक खाना नहीं खाया। नहीं वही कह रहे हैं कि यहाँ अब सोचो क्या लाइफ में करा जाए, इनके साथ रह के कोई भी करोगे तो इनका सीधा वो कहते साइकिल पे चल बेटा, मेरे पैसे कर रहे हैं, समझ लो बात को। वो मुझे कई बार बोल चुके साइकिल पे चल, वहां लेबर लगा के खुद काम कर, करवा मत, उसके घर में भी आके तो अपने खुद काम माल काटा कर। हाँ एकदम सही। अच्छा जी फिर क्या कहते हैं, देख मैं इतना कमाता हूं 500 रुपए। मैं कहता हूं 500 कमा तो कौन सा मेरे पे, मैं तुझे कहता हूं जो कमाने के लिए, मैं तो लाइफ में नहीं कमा सकता, तुम कमाने जाओ जब रिटायर हो गए। मैं कहा मैं तो आपसे कभी नहीं कहा कमाने जाओ, बैठो सब बुड्ढे खा रहे, तुम भी खाओ, जितने घर में चलेगा चलाएंगे, सीधी बात है। नहीं माने भाई, जब तक तो मेरे केस का पंगा पड़ गया। आपने देखा था रूबी की लड़ाई घर में कैसे कैसी होती थी, कैसे छोड़ने जाता था, आपके पीठ पीछे बात कोई नहीं थी, कैसे घर में वो मुझे टॉर्चर करने लगी, वो कैसे घर में वो टॉर्चर करने लगे। चलो सबसे अच्छी बात लगी, चलो एक टॉर्चर करे, दो तो ना करें, नीचे जाओ तो मम्मी, ऊपर जाओ तो वो, पिस कौन रहा था, मैं मंदिर में पूजा कर रहा हूं, काली मंदिर में बैठ के, वहां से फोन आता है, बहन चो तो अपनी बीवी को लेकर चला जाए यहां से, घंटी बज रही है, पापा मैं मंदिर में बात करता हूँ, गवर्नमेंट पहले अपनी बुलवा जाओ, फिर वहां से बाजार है, बुला जल्दी उसको, बुला जल्दी उसको। मैं कहता जैसे घर में कलेश क्या हो गई कि मैं साला निकला नहीं, यहाँ लड़ाई चालू हो गई, फिर बाप किस भाग क्या था, पता लगता वो फांसी लटकाने की तैयारी कर रही है, अब बैठे बैठे उनको इंतजार करो, देखो कहीं फांसी ना लगा ले, डर तो डर होता जी, अब इंतजार करो फैक्ट्री में माल पहुंचाना, नहीं पहुंच रहा है, घर में कलेश हो रही है, ना खाने को मिल रहा है, गालियां, नीचे जाओ तो नीचे में दूध वगैरह बना के खा पी रहे हैं वो लोग, और वो चूतिया की तरह मैं बैठा हूं इस कमरे में इसको झांक रहा हूं कि ऐसा कुछ ना हो जाए, जब वो उसी टाइम नहीं खाएगी वो बीमार पड़ जाती, फिर उसके लिए भी वो पैसे रखूं, भैया कैसे ना कैसे गाड़ी खींचता अपनी, फिर वही पटरी में पीछे आ जाता, घर में दो दिन शांति, तीन दिन से फिर लड़ाई, दूसरे दिन से फिर लड़ाई, तीसरे दिन से लड़ाई, अब फिर क्या, कैसे ना कैसे मैंने अपना हैंड ओवर करा, कोशिश तो पूरी करी कि पूरा घर फैमिली खींच ले, बांधने की कोशिश मैंने हमेशा करी, लेकिन ये दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज, मुझसे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाई तो उसे कहां हो पाती। अब देख लो मैं एक सवाल सबसे पूछता हूं, चलो उस टाइम बहू थी तो लड़ाई थी, आज बहू नहीं तो किससे लड़ाई है, किस बात की लड़ाई है घर में, कोई लड़ाई का कारण बता दो मुझे, कोई लड़ाई है घर में, अभी वो गाने में मेरे प्याज काटे रहते हैं कि मैंने तुझे वो करते हुए देखा, मैंने वो देखा। मैं पापा एक सवाल मैं तुमसे बार बार पूछता हूं, जब वो कोई लड़की गलत काम करती है आप उसकी शादी कर देते हो, कोई भी हर बाप कर देता है, तो मेरी भी गलत कर पाएगा तो मेरे को निपटारा कर शादी करा दो, गलत तो नहीं कहा ना मैंने, मैं ये बुड्ढा हो गया हूं, मैं ये चीज कर नहीं पाता, जब मैं अपने पापा से खुली बात कर रहा हूं उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, जब ना तो मुझे शौक पूरे करने दे रहा, अब मेरे पास पैसा भी है तो मैं उस पैसे को देख रहा हूं, उस चीज के लिए मैं तड़प रहा हूं कि यार मेरे के साथ कोई बात करने वाला हो, मैं किसी दो मन की बातें कर सकूं, तकलीफ शेयर कर सकूं, मैं नशे में भाग रहा हूं, लोग भी मेरा नशा नहीं दिख रहा कि मैं कितनी पीने लगा, नशे में धुत आता था, इस टाइम किसी ने वो मेरे सामने सहारा बनाया, मेरे लिए लक्की मानो या कुछ भी मानो, उसकी मैं लाइफ में आया तो मेरी फिर लाइफ अच्छी चलने लगी, क्या मैं खुश रहने लगा, आपको यकीन है मेरे सेहत कब से बनी, कब से आपको पता मेरी सेहत कब से बनी है, क्या पहले मेरी सेहत ऐसी थी, फिर मेरे दिमाग में चलिए यार बाहर में भूखने दे, एक जगह तो शांति मिल रही है, जब घर में लड़ाई वहां जाकर बैठ जाऊं शांति मिल जाती, बाहर में लड़ते रहो सब घर में शांत माहौल हुआ तो फिर आ गया, लेकिन कोई कह दो रोजी कसम चाहे बिटिया कसम, अपनी तरफ से मैंने उसको आज तक 1 रुपया फालतू उसकी कमाई से अनुसार नहीं दिया।